मेरे केमिस्ट्री में कम स्कोर किस वजह से आया, किस पार्ट की वजह से आया, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने की थी। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, आई एम आशना परवीन। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि मेरा एडमिशन प्रोसेस IGMC नागपुर में पूरा हो चुका है एंड नाउ आई एम फाइनली एन MBBS स्टूडेंट। तो अभी मेरी क्लासेस चल नहीं रही हैं क्योंकि वहाँ के प्रोफेसर्स का कुछ स्ट्राइक चल रहा है। तो अभी होली तक तो एक्सपेक्टेड है कि नहीं खुलेगा मेरा कॉलेज, तब तक के लिए फ्री हैं हम बिल्कुल फिर से। अभी कुछ दिन पहले ही CBSE की टर्म टू एग्जामिनेशन फॉर 12th, 10th और 12th की डेट शीट आ चुकी है और 12th का एग्जाम शायद 6 जून तक है उसमें। तो आप लोग भी अब प्रिपेयर हो जाइए नीट 2022 के लिए क्योंकि वो जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक तक हो जाना चाहिए। तो अब ज़्यादा टाइम आप लोग के पास बचा नहीं है, सो बी रेडी फॉर द नीट 2022। आई होप बहुत अच्छा हो, आप सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। आज मैं अपने केमिस्ट्री एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहूंगी आपसे। नीट में मेरे तरफ से ये सबसे खराब एक्सपीरियंस था मेरा नीट का पेपर का, और इसी के वजह से मैं सिर्फ 650 स्कोर करने से रह गई। एम्स में मिल जाता अगर ऐसा नहीं होता तो। मैंने आपको अपने फिजिक्स और बायोलॉजी के बारे में बताया था कि, और मेरा एक्सपीरियंस फिजिक्स और बायोलॉजी का पर्सनली बहुत अच्छा था। मेरे तरफ से फुल 100% मैंने दे दिया था और वैसे आया भी मेरा स्कोर अच्छा था, बट केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स मेरी रह गई। जो मैंने किया है वो आप मत कीजिएगा प्लीज, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको गाइड करना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या क्या गलतियां थी जो मैंने खुद की थी और जिसकी वजह से मेरा केमिस्ट्री का स्कोर बहुत कम हो गया था। मेरे लिए कम था क्योंकि यूजुअली मेरे टेस्ट सीरीज में 160-170 के अराउंड मेरे आते थे नंबर, बट नीट के एग्जाम में मेरा जो स्कोर था दैट इज 136 out of 180। फिजिक्स से भी कम था ये। यूजुअली ऐसा होता है कि नीट के जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनके फिजिक्स में कम होते हैं और केमिस्ट्री में ज्यादा होते हैं, बट आई वॉज एन एक्सेप्शन, मेरे साथ उल्टा था। अगर मैं बात करूँ अपने फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री मेरा बहुत ही स्ट्रांग था। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे तरफ से पूरा स्ट्रांग था। मेरे फिजिकल केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन मेरा, वो भी पैनिक के होने की वजह से मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया था। वो भी एक सिली मिस्टेक ही थी, कोई ऐसा वो नहीं था। मैंने सही फॉर्मूला सब कुछ लगाया था बट कैलकुलेशन में मेरा गलत हो गया। केमिस्ट्री के पेपर में मैंने 6 क्वेश्चंस को लेफ्ट किया था और 4 क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हो गए थे। और मेरे केमिस्ट्री में कम स्कोर किस वजह से आया, किस पार्ट की वजह से आया, वो मैं आपको बताती हूँ। दैट इज IOC, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे हम कहते हैं। वो मेरा ठीक था, नोट से मैं पढ़ती थी, मॉड्यूल से पढ़ती थी, बट एक जो बड़ी गलती मैंने उसमें कर दी थी दैट इज NCERT पे इतना फोकस नहीं किया था उन पॉइंट्स पे जहाँ से मेरे क्वेश्चंस बन गए और मैं उन्हें अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई। और इसी की वजह से मेरा जो पेपर था वो, उसमें मैं पैनिक हो गई थी। एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने बायोलॉजी का पेपर दिया, मैंने बताया कि 356 आया मेरे बायोलॉजी में, तो मैं खुश थी कि हाँ या फिर हो गया बायोलॉजी का तो मेरा अच्छा। जब मैं केमिस्ट्री पे आई तो ऐसा हुआ कि लगातार 4 क्वेश्चंस IOC के थे मेरे सेट में और 4 क्वेश्चंस में से मुझे 3 क्वेश्चंस नहीं आए थे। वहीं पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ड्रॉप हो गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है। बट ऐसा था नहीं, बाद में मुझे पता चला कि मैंने कुछ बहुत छोटी छोटी गलतियां भी कर दी उसी की वजह से। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, तो वो उसमें मैंने सिर्फ डॉट्स की वजह से गलत कर दिया था। IOC में 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने कंफ्यूजन में छोड़ दिए थे क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना ड्रॉप हो गया था कि मुझे लग रहा था कि यार ये कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए मैं अटेम्प्ट करने से भी डर रही थी। और इसीलिए मैंने 6 क्वेश्चंस अनअटेम्प्ट किए जिसमें कि 4 क्वेश्चन जो थे IOC के थे जो मैंने अनअटेम्प्ट किए थे। तो ये था मेरा केमिस्ट्री का, बहुत ही खराब एक्सपीरियंस था मेरा। अब मैं बात करती हूँ सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने की थी कि मैंने NCERT के कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स थे जिन्हें पढ़ा तो था बट उतना फोकस नहीं किया था। NCERT में कुछ चैप्टर्स है लाइक हाइड्रोजन, 12th का टॉपिक है मेटलर्जी, ये जो टॉपिक्स हैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और इनसे पिछले ईयर्स में क्वेश्चंस भी नहीं बने थे। तो मैंने इन्हें कर तो लिया था, नोट्स से मॉड्यूल से कर लिया था और NCERT से मैंने इन्हें एक एक दो दो बार पढ़ लिया था, बट उतना डीपली नहीं पढ़ा था जितना वहां से क्वेश्चन बन गया था। और मेटलर्जी का एक क्वेश्चन आया था जॉन रिफाइनिंग डिस्टिलेशन इन सब के बारे में था, तो वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। और हाइड्रोजन का एक क्वेश्चन आया था ट्रिटियम ऐसा कुछ क्वेश्चन था हाइड्रोजन से रिलेटेड, तो वो मैंने लेफ्ट कर दिया था क्योंकि उसके बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। और लेकिन वो जो क्वेश्चन था वो गलत नहीं था क्योंकि वो क्वेश्चन तो डायरेक्ट NCERT की लाइन थी,
तो गलती हमारे ही अंदर थी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि एनसीईआरटी आप बिल्कुल मत छोड़िए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी भी आपको वैसे ही पढ़ना है जैसे कि आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अगर पूरी मोरल ऑफ द स्टोरी में आपको बताऊं तो यही है कि आप एक भी टॉपिक मत छोड़िए। अगर छोटा सा भी छोटा टॉपिक है तो प्लीज उसे देख लीजिए, क्योंकि अगर सरफेस से क्वेश्चंस आ गए तो आपको दुख नहीं होना चाहिए कि यार मैं एक बार पढ़ लेती। जो मेरे साथ हुआ था, मैंने पढ़ा तो था बट उतना ध्यान ही नहीं दिया था। तो प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा, एक बार जरूर उन टॉपिक्स को देख लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है कि ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चंस थे और हम उन्हें नहीं कर पाए। नीट में ये सही बात है कि जो पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड आते हैं कि इस टॉपिक से इतना आता है, बट 2021 में ये जो ट्रेंड था ये चेंज हुआ थोड़ा, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स से भी क्वेश्चन बन गए जहाँ से एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था और बहुत डीप क्वेश्चंस बने। अब अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि हमें फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, तीनों को कैसे पढ़ना चाहिए। जो गलतियाँ मैंने की हैं वो मैं आपको बताऊंगी जिससे आप सीख सकें कि इन्हें नहीं करना चाहिए आगे। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।